अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में सीन ऐसे है कि हमाद भाई, मैं और वसम भाई जो है ना, जा रहे हैं शकरपनिया। तो उससे पहले सीन ऐसे है कि मोबाइल की मैंने बैटरी सेल करनी है, वो बंदा आ रहा है फैजाबाद, तो मैं अभी पहले उधर जा रहा हूँ, तो उसके बाद हमाद भाई को पकड़ेंगे और अपना ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। यार अभी हमाद भाई ना, हमें काफ़ी टाइम के बाद मिल गया। हमाद भाई कैसे आप? तो बस चलें, अभी का हमने इंशाल्लाह अभी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जी बहुत ज़्यादा है। गेट बंद है इधर से। तो हमारे भाई अब देखते हैं यार, इधर से एक रास्ता, मैंने एक दफ़ा यार मैं भी इसी रास्ते से आया था, अभी भी हम गलत ही हो गए, वापस पीछे करते हैं। एक रास्ता मैंने देते वो था जो गार्ड, उसे पूछा था, उसे मुझे इधर पीछे बताया था एक रास्ता कि उधर से ऊपर आप चले जाएँ, बाइक चला जाए। देखते हैं मतलब कोई इधर रास्ता है या बंद कर दिया इन्होंने, देखते हैं। ये जो रास्ता है ना, जिधर से आ रहे हैं, रास्ता जो है ना वही वाला है, इधर से बहुत खतरनाक सा रास्ता है। ये देखें जी रास्ता, उधर से गेट शेट तो बंद है, तो रास्ता है ना जी, चलें रास्ता ही चलें, देखते हैं जिधर तक जाता है उधर तक चलें ना यार। इधर से आ जाए, इधर से आए आ जाए। फाइनली जी जो है ना, हम ऊपर पहुंच चुके हैं, वो है जी पार्किंग आके। तो हम यार बस अभी पार्किंग में पहुंचे हैं, तो ये बाइक शेक लगा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। तो बाइक शेक लगा के आए तो फिर चलते हैं आगे। एंट्री लेवल जी हम पहुंच चुके हैं इधर, तो ये है जी इसका मेन एंट्रेंस। बड़ा मज़े का सीन है यार इसका, क्या कहते हैं अदरदा आप? बिल्कुल लेवल है, बहुत मज़े का सीन है। होए चेक करें जी, व्यू चेक करें जी, पूरे मोनोमेंट कमाल का जो है ना। अभी एक तो मौसम बहुत मज़े का है और दूसरा इधर का जो व्यू है ना अभी कमाल है, क्या करें यार? बहुत लेवल का व्यू है, बहुत मज़े की जगह है यार इस टाइम। एक तो चलो हमने अच्छा किया यार, लेट ही आए हैं, दिन को आगे गर्मी होती है, गर्मी थी तो एक तो जो है ना बाहर निकला जाता है ना चला जाता है इधर, बताइए इस गर्मी में इधर कैसे यार बंदा ठहरता। तो वैसे ठीक ही है, हम थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन अभी जो है ना बहुत मज़े का सीन है यार, बहुत मज़े का।
अच्छा तो यार हमने इधर जो है ना नीचे का थोड़ा विजिट किया है, थोड़ी तस्वीरें शस्वीरें निकाली हैं इधर, तो अब चलते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर चलते हैं। बोला ऊपर का क्या माहौल है अभी देखते हैं। बोला है तो बड़ा मज़े का यार अभी सीन, वो वेदर का सीन है ना उस वजह से जो बहुत मज़े का हो गया है। ओए 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 ओए। तो यार काफ़ी टाइम घूमने के बाद और पार्किंग का भी बहुत इशू था, ने जैसा कि वीडियो में देखा हमने पता कहाँ कहाँ से घूम के तो पहुँचे, तो हमने अभी आपको व्यू चेक करवाते हैं यार। अभी इधर मैन इसके पॉइंट भी हैं ऑलमोस्ट, तो इधर घूम चुम रहे हैं, बड़ा मज़े का मौसम देखा है, तो घूमने का तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी हो चुका है, मगर उसकी आजान होने वाली है ऑलमोस्ट। अच्छा लग रहा होता है यार, बस निकले ही लेट हैं तो क्या करें यार, ये हमारी खुद अपनी मस्तियाँ, लेकिन क्या करें, बंदा दिन को भी नहीं निकल सकता, धूप शाम को आते हैं तो रात पड़ जाती है, तो बड़ा रोले वाला सीन है, तो देखते हैं यार। इंटीरियर का व्यू है देखें, बड़ा मजे का है यार कसम है, एक तो मौसम दूसरा ये व्यू कमाल का है यार। हजरत बात यार आपको मैंने बतानी है कि आप उधर करें वाला कैमरा उधर करें, ये आपको कुछ कोई पिक्चरें शिक्चरें नजर आ रही होंगी। हाँ जी बिल्कुल, तो यार इनका कोई मतलब ही तो है यार, इनका मतलब मुझे पता है क्या इनका मतलब, आज मैं आपको बताऊंगा ठीक है। ना देखें सबसे पहले आती है जी ये वाली, अच्छा इसमें सीन ऐसे है यार, पहला बंदा देखे ये बैठा हुआ है, ये शायद कोई अंग्रेज की औलाद है, ये जा रहे हैं और वो बेचारे मुसलमान बैठे हुए उन पर जुल्म कर रहे हैं ठीक है ना। तो पहले फोटो में ये सर, अब आगे हम आपको ना अगली पिक्चर दिखाते हैं और उसका सीन दिखाते हैं। दूसरी पिक्चर में तो ये मेरे ख्याल में हमारे जो है ना अल्लामा इकबाल शायर मशरूफ़, हम जैसे जो है ना नौजवानों को दिखाने वाले जो है ना, तो उनकी हमारे भी बड़ी उम्मीद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये तो बहुत हमारे ना इंसान गुजरे हैं, ये बेसिकली सर अभी बैठे हुए वो देखें अपने अपना जो उनका किला है ना उससे बाहर आए हुए, उससे बाहर आ गए ना, तो ये वो लोग हैं सारे मतलब जो कैद हुए हुए हैं जो जुल्म है। आप देखें एक एक ना ये कोई चीज़ है जिसके पीछे ये मौजूद है, तो ये उनको देख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि यार आपने ना किस तरह मतलब उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने किस तरह आज़ादी पानी और कैसा रसीन करना है। चले नेक्स्ट, तो ये हमारे हैं जी कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी वजह से हम अभी इधर घूम रहे हैं है ना कि नहीं। बिल्कुल ये देखें जी हमारे लीडर, जिनकी वजह से जो है ना हमें हाँ बहुत अजीब इंसान है, तो इनका आपको पीछे मज़ार भी नज़र आ रहा होगा अगर आप वीडियो पे चेक करें, वो देखें सलाम कर रहे हैं सारे फ्रूट शूट मार के अपनी बहन के साथ, आखिर में नहीं कर सकता हाँ जी। और उसका मेरे ख्याल में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बल्कि वो इस्लामाबाद की फैशन सिटी बनी हुई है, और बाकी का मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या इसके रिश्तेदार बने हुए हैं, आपको अगर कुछ पता हो। नहीं यार इतना ये कुछ मैंने पहली दफ़ा देखा, ये कोई अंग्रेज शंग्रेज है या नहीं पता, कौन नीचे नज़र आ रहे हैं तो बाकी कोई पता नहीं है, बाकी कोई पता नहीं, ओवरऑल यही व्यू था अंदर का है ना। और एक ये इन्होंने लगाया हुआ है हजरत, ये चार्ज है ये रॉकेट उड़ेगा अभी ऊपर थोड़े अर्से बाद, ये इसका क्या भी सीन है, ये मतलब ऊपर जाएगा यहाँ से इस सारे सीन को फाड़ के बाहर, फाड़ के बाहर जाएगा यही बात है ना। हाँ बस देखिए इन्होंने कट भी देखे किस तरह बनाए हुए हैं इसका वो कट, और ऊपर इन्होंने सारी जगह खुली छोड़ी हुई है ताकि बिल्कुल ईजी बाहर जाए, ईजी बाहर जाए कोई से मसला ना हो पाए ठीक है जी। तो यार अभी अंदर से तो हम घूम के आ गए सारा सीन हो गया, तो अब आपको ना जो व्यू चेक करवाना है ना यार कसम से, शायद कैमरे में उस तरह का व्यू ना आ रहा हो लेकिन यार बहुत आखिरी व्यू है, बहुत मजे का व्यू है माशाल्लाह।
यार वैसे इसकी बैक साइड पे जो है ना इस्लामाबाद के जो भी है ना विजिटिंग प्लेसेस हैं सारी इसकी बैक साइड पे आ रही हैं ऑलमोस्ट। मुनाल भी तकरीबन आ ही रहा है, वो दांत पे जो चोटी पे वो लाइटिंग नज़र आ रही है, मुनाल भी नज़र आ रहा है, ये फेमस सेंटोरियस ये इस्लामाबाद का व्यू पूरे का बड़ा मज़े का है यार इसकी जगह। तो नाजरीन अमाद भी अभी कह रहे हैं कि यार मेरी पिक्चर नहीं सही लेते हो, मैं बहुत आखिरी पिक्चर लेता हूँ, अब रैंडम क्लिक करते हैं, यही बात फोकस होती नहीं है, सेम वही सीन होता है जो एक आएगी वही उसी तरह तीनों आ जाएंगी। अभी ना हम जा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक जगह पे ना अपना हेलमेट रख दिया था लगे भरोसे, तो फिर देखते हैं कि यार हेलमेट हमारा बचा है या कोई उठा के ले गया, क्या सीन है अमाद भाई आपको वैसे क्या उम्मीद है यार? यार अगर आप अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के गए ना, हाँ इंशाल्लाह चलें देखते हैं। तो यार अमाद भाई भाग रहे हो, अभी ना हमारा हेलमेट ही पता नहीं है किधर रखा हो, तो अमाद भाई पहले हेलमेट ढूंढना यार किधर रखा था हमने, मुझे मुझे शक है कि हम उधर ऊपर रख गए, चलें आए आए हेलमेट देखते हैं ना सबसे पहले। और फाइनली 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 हमारे हेलमेट को किसी बंदे ने हाथ नहीं लगाया, बेचारा वैसे ही मजदूर हुआ हुआ है, बस ये सिर्फ पुलिस वालों से बचाता है, बाकी वैसे टू बी ऑनेस्ट इसका कोई फंक्शन नहीं है। संगियों से बचने के लिए संगियों से बचाता है ये सिर्फ संगियों से, बाकी कोई सीन नहीं है, ये हर तरह से खत्म हो चुका है बेचारा। अभी मोनूमेंट का हमने फ्रंट से भी, तो इसके सामने ये एक म्यूजियम भी है, पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम। अभी इतना टाइम नहीं है कि इसके अंदर विजिट करें, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर किसी दिन आएंगे तो विजिट करेंगे। अभी एक जो इधर से जाता है ना रास्ता नीचे इधर उधर म्यूजियम है, हम दोनों म्यूजियम को ना एक ही दिन रख लेंगे, एक ही दिन हम उनको विजिट करेंगे, सही है क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, पता है क्या वाला इन दोनों म्यूजियम को घूमने के लिए ना अच्छा खासा टाइम चाहिए, वो नीचे वाला जो म्यूजियम है ना बहुत बड़ा है, उसको अंदर से विजिट करने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे चाहिए, तो इसलिए यार अभी हमारे साथ ना फिर से बहुत बुरा हुआ है, अमाद भाई ने तो प्लान कैंसिल कर दिया था म्यूजियम में, हम नेक्स्ट टाइम इकट्ठा रखेंगे, लेकिन बहुत बुरा हुआ है यार, चेक करें पीछे हम इन्होंने क्लोज कर दिया है, सार वाम बाहर आ रही है, तो चलें फिर ऐसे ही करते हैं यार म्यूजियम को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे। हमने जो है ना मोनूमेंट का ओवरऑल विजिट तो किया है, म्यूज़ियम नहीं कर सके क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और म्यूज़ियम ऑलमोस्ट बंद होने वो बंद हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, इधर एक और म्यूज़ियम भी है साथ नीचे उधर का और इधर का, इंशाल्लाह फिर किसी दिन करेंगे प्रोग्राम। तो अभी के लिए जो है ना टाइम काफ़ी हो गया है, अभी हमने वापस निकलना है अभी घर, तो रात पड़ गई, इधर से नीचे जंगल है यार बड़ा डर लगता है इधर, तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट विजिट करेंगे इधर म्यूज़ियम का, दूसरे का भी करेंगे, तो अभी के लिए जो है ना इतना ही काफ़ी है, तो मैं इधर ही अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ, तो आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।